हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और तैयारी भी जम के कर रहे हैं। बहुत अच्छी से तैयारी आपकी चल रही है। तो बहुत डिमांडेड ये बुक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़, सर जल्दी, सर प्लीज़ बिहार करेंट अफेयर एडिटोरियल से करा दीजिए। एंड रियली आप जब भी रिक्वेस्ट करते हो ना, तो मेरे ना एक पुश आ जाता है कि यार नहीं, मुझे जल्दी करना ही करना है, जल्दी से जल्दी करना है। तो मैंने बुक मंगाई है ना, बुक आते आते टाइम लग जाती है। पीडीएफ भी मैं बोल रहा था किसी के पास हो तो दे दो, बट नहीं मिला। तो ठीक है, फाइनली मैंने बुक मंगा ली है और मैंने इसका जो है पीडीएफ भी बना लिया है। और बहुत ही जल्दी, 1 से 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम कंप्लीट आपको ये मिल जाएगा। आज जो पर्टिकुलर हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें हम इसके MCQs 750 MCQ हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन इनटू 15 सेट, टोटल 750 क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, बिकॉज कंप्लीट एक साल का उसमें आपको MCQ के फॉर्म में करंट अफेयर मिल जाएगा, उसे हम कवर करा देंगे इसमें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, दिस इज़ द पिक्चर कवर पेज, ठीक है। दिस इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल बुक फॉर VPSC 69th टीचर्स रिक्रूटमेंट बिहार पुलिस एंड ऑल अदर बिहार एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर पेज देख सकते हैं, एग्ज़ाम स्पेशल इसमें कब प्रिपेयर किया गया है एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से, बिल्कुल फ्रॉम जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक कवरेज है। एक साल का पूरा कंप्लीट कवरेज है। ये जो एक्सक्लूसिव पोर्शन है, 15 प्रैक्टिस सेट्स इनटू 50 क्वेश्चन ईच, टॉप 750 क्वेश्चंस, दिस इज़ वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पार्टिकुलर वीडियो। एंड नेक्स्ट में कंप्लीट जो इसके इनिशियल इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सीधा हम टारगेट पेज पे चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपने MCQ वाले पोर्शन को। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कह लो, शिकायत कह लो, ये है कि आप लोग देखते ज़रूर हो वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो डेफिनेटली अगर करोगे ये काम, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे काफ़ी बूस्ट मिलेगी, है ना। एंड एज ए टीचर, जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है, बड़े बड़े नंबर को पढ़ाने में, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को हेल्प करने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे कंटेंट आते रहते हैं, इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और मैं एक भी बंदे का रिक्वेस्ट डिक्लाइन करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। बट हाँ, मेरी भी लिमिटेशन है, एक बुक कवर करने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम का इधर उधर हो सकता है। बट डेफिनेटली वट एवर यू से, आई फॉलो, आई वर्क ऑन दैट एंड आई डू प्रोवाइड दैट कॉन्टेंट टू यू विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अभी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन सेट है ये, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सो हियर वी गो, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे ट्राई बोलते हैं, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ट्राई, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जुलाई 2023, व्हाट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल पर 100% इन बिहार। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि 100% अगर आप हेड काउंट करो बिहार में, किसी भी एरिया में, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे कितने लोगों के हाथ में मोबाइल मिलेगा, तो वो मिलेगा 55, मतलब 55% जो है इंटरनेट जो है अवेलेबल है लोगों के पास, मोबाइल अवेलेबल है, इंटरनेट नहीं कहेंगे, मोबाइल, ठीक है। वो चाहे कोई भी मोबाइल हो सकता है, मोबाइल हो सकता है कि स्मार्टफोन हो ना हो, लेकिन आज के ज़माने में छोटा फ़ोन बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। नाउ इट इज़ अफोर्डेबल कि एवरीबडी, मतलब सबके लिए तो नहीं कह सकते, बट मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सुभाष चंद्र रेसिडेंशियल हॉस्टल, सुभाष चंद्र रेसिडेंशियल हॉस्टल टू बी स्टार्टेड इन बिहार फ्रॉम 1 जुलाई 2023, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको दो दिया गया है, सुभाष चंद्र रेसिडेंशियल हॉस्टल एक जो है प्रोग्राम है, स्टार्ट हुआ है बिहार में 1 जुलाई 2023 से, तो उसको आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो नंबर वन, इन दिस स्कूल नक्सलिज्म अफेक्टेड एंड ऑर्फन चिल्ड्रेन ड्यू टू कोविड विल बी टॉट,
ठीक है, कैसे लोगों को टारगेट किया गया, कैसे बच्चों को टारगेट किया गया पढ़ाने के लिए, तो जो नक्सलिज्म अफेक्टेड जो लोग हैं, बच्चे हैं उनके, ठीक है, ऑर्फन बच्चे हैं उनको, या फिर COVID-19 के वजह से ऑर्फन हुए हैं तो उनको पढ़ाया जाएगा, ये सही है, ठीक है। एंड ए टोटल ऑफ 15 रेसिडेंशियल होस्टल्स इस्टेब्लिश इन 7 डिस्ट्रिक्ट इन फर्स्ट स्टेज, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सो आंसर हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो आंसर होगा हमारा डी, नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बींग बिल्ट, ऑर्थो मतलब होता है हड्डी से रिलेटेड, तो भारत का जो है सेकेंड लार्जेस्ट हड्डी से रिलेटेड जो है ऑर्थोपेडिक, हड्डी और उसके रिलेटेड जो इशूज आते हैं उसके लिए कोई हॉस्पिटल बना है, सेकेंड लार्जेस्ट है और हमारे बिहार को ये गौरव प्राप्त हुआ है, ये पटना में बना है, ठीक है, पटना में बना है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है कंट्री का। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द बिगेस्ट ब्लड बैंक, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द बिगेस्ट ब्लड बैंक इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ बींग बिल्ट इन बिहार। अब देखिए, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी होती है कि मतलब आप बेस्ट कह सकते हो, बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ ये बन रहा है, बिगेस्ट ब्लड बैंक इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ बींग बिल्ट इन बिहार, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, ये बन रहा है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द धावा दल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट वॉज ऑनर्ड बाई लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ बिहार फॉर एक्सेलेंस इन चाइल्ड लेबर लिबरेशन। ये जो धावा दल है इसने बहुत अच्छा काम किया है, किस फील्ड में, जो चाइल्ड लेबर जो काम कर रहे थे उनको लिबरेट कराया है, उनको वहाँ से निकाला है, इसके लिए इनको लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो बिहार की है उनको एक्सेलेंस अवार्ड दिया है। और ये जो है किस डिस्ट्रिक्ट की है धावा दल, तो ये है सीतामढ़ी की, नेपाल से लगा हुआ ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फोर्थ एयरपोर्ट ऑफ द स्टेट इज़ बींग कंस्ट्रक्टेड। तो बिहार में एयरपोर्ट्स हैं, आप जानते हैं दरभंगा में भी एयरपोर्ट है ना, पटना में भी है, और एक और है वो बताना कहाँ पे, और चौथा भी बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, पूर्णिया में अब बन रहा है, पूर्णिया में एयरपोर्ट था लेकिन वो प्राइवेट ऑपरेशन के लिए नहीं खुला था, ठीक है, ये एयरफोर्स का जो है बेस था, ठीक है। अब इसको ना एयरपोर्ट बना दिया जाएगा, कम्प्लीटली पब्लिक सर्विस टाइप का भी यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब इसको मैनेज करेगी जॉइंटली विद द इंडियन एयरफोर्स। तो पूर्णिया इज़ द राइट आंसर, ठीक है। दरभंगा में है ना, गया में है, पटना में है, और चौथा हो गया पूर्णिया में, ठीक है। तो मैं पूछा था आपसे, खैर मैंने ही बता दिया, आगे बढ़ते हैं। विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाई BCA स्टूडेंट्स ऑफ AN कॉलेज, ठीक है, टू नोटिफाई द रिलेटिव्स ऑफ ए पर्सन इन केस ऑफ इमरजेंसी। AN कॉलेज के BCA स्टूडेंट्स ने ये डेवलप किया है, एक मोबाइल ऐप है, ताकि नोटिफाई किया जा सके वैसे लोगों के रिलेटिव्स के जो कि कुछ इमरजेंसी में फंस गए, ठीक है, हो सकता है वुमेन हो या फिर मेन हो, बच्चा हो, कोई भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें, इन्होंने इसका नाम रखा है, AN कॉलेज के बच्चों ने, BCA वाले, रक्षक ऐप, ठीक है, रक्षक ऐप इसका नाम रखा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाई द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाई द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, द प्लेस ऑफ बिहार इन द नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन द कंट्री इज, ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट आई है विच इज़ रिलीज बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे है, सेंट्रल यूनियन है, ये मिनिस्ट्री है। द प्लेस ऑफ बिहार इन द नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन कंट्री, मतलब कि अनऑर्गेनाइज अगर देखें किस स्टेट में ज़्यादा है उसकी या कम है, कितना है उसकी रैंकिंग निकाली गई है, तो बिहार का उसमें नंबर आया है सेकंड, ठीक है, सेकंड बिहार का नंबर आया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बिहार के जो है लेबर्स जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा वालों कैटेगरी में दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है, बात हुई क्लियर।
नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑन फिश प्रोडक्शन रिलीज्ड बाई बिहार एनिमल एंड फिशरी रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑन फिश प्रोडक्शन रिलीज्ड बाई बिहार एनिमल एंड फिशरी रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वन बाई वन मैं पढ़ता हूँ, और हालांकि इसमें सभी सही है पहले ही बता देता हूँ, बस अब ध्यान से सुन लो कि क्या क्या इसमें जो है निकल के आया है इस पार्टिकुलर रिपोर्ट में जो कि प्रोड्यूस किया गया है, रिलीज़ किया गया है बिहार एनिमल एंड फिशरी रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो नंबर वन है, इन द ईयर 2022-2023 द टोटल फिश प्रोडक्शन इन बिहार वाज 8,46,000 टन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 8,46,000 टन्स। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस मैक्सिमम फिश इन बिहार। मधुबनी में सबसे ज़्यादा का क्या होता है, फिश होता है। हालांकि ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है, पॉन्ड्स है, ये सब नहीं है, बट है, इतना है कि मतलब मैक्सिमम बिहार के टर्म्स में यहाँ पे होता है मधुबनी में। द लोएस्ट फिश प्रोडक्शन अकर्ड इन जहानाबाद। अगेन ये थोड़ा आपका साउथ बिहार वाला पोर्शन है, जहानाबाद में इतना ज़्यादा फिश प्रोडक्शन नहीं होता है। तो सभी सही है, हाईएस्ट होता है मधुबनी में, लोएस्ट होता है जहानाबाद, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड टोटल वाला भी। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, आंसर इज डी। विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज़ बीन सेलेक्टेड अमंग द 20 यूथ ऑफ द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम इन कैलिफोर्निया यूएस। अब सोचिए वर्ल्ड के लेवल में 20 यूथ को ऐसे चुना गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे काम किया है उन्होंने, और ये वर्ल्ड के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम कैलिफोर्निया यूएसए ने इसको सेलेक्ट किया है। तो बिहार के किस व्यक्ति का उसमें नाम है, किस यूथ का उसमें नाम है, तो करेक्ट आंसर होगा गौतम कुमार का। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द पोस्ट ऑफिस एक्सपोर्ट सेंटर हैज़ बीन ओपन्ड इन चनपटिया स्टार्टअप जोन। चनपटिया स्टार्टअप जोन में विच कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट ऑफिस एक्सपोर्ट सेंटर खुला है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका वेस्ट चंपारण। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विल बी बेनिफिटेड अंडर पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन। ठीक है, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोग्राम है, सेंट्रल स्कीम है, ये प्रोग्राम है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। तो इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है उनसे बेनिफिट लेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा सी, 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार को इसमें फ़ायदा हो रहा है, 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार को इसमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड इस्माइलपुर ब्लॉक। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड इस्माइलपुर ब्लॉक ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट एज द फर्स्ट ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस ODF प्लस मॉडल ब्लॉक ऑफ बिहार अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो इसका सही आंसर जो है इस्माइलपुर ब्लॉक जो है इसको, ठीक है, मिल गया है, इसको मॉडल ब्लॉक बनाया जा रहा है। ठीक है, ODF प्लस मॉडल के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आता है भागलपुर में, इस्माइलपुर ब्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द अपकमिंग वर्ल्ड क्लास कल्चरल हेरिटेज टनल ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द अपकमिंग वर्ल्ड क्लास कल्चरल हेरिटेज टनल ऑफ बिहार। तो एक बार एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, करेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। नंबर वन 14 नंबर क्वेश्चन है, नंबर वन देखते हैं। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन पटना विच विल कनेक्ट बिहार म्यूजियम टू पटना म्यूजियम। ये सही है दोस्तों, ठीक है, बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से ये कनेक्ट करेगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस टनल गिवन टू दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये भी सही है, DMRC को दिया गया है, ये भी सही है। एंड द लेंथ ऑफ द टनल इज 1.5 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो एवरी स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट आंसर इज सी, 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार सॉरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कन्फर्ड द बेस्ट हेरिटेज अवार्ड टू विच इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ बिहार।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कन्फर किया है, यानी कि दिया है बेस्ट हेरिटेज अवार्ड हमारे बिहार के विच इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो देखिए सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं, राजगीर हो गया, बोधगया हो गया, नालंदा हो गया, बट जो ये अवार्ड मिला है वो मिला है मोर देन वन ऑफ दीज, यानी कि इन सभी को मिला है। ठीक है, इन सभी को मिला है। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विल खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी ओपेंड अंडर खेलो इंडिया। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में खेलो इंडिया सेंटर्स जो है खोले जाएंगे ओपेंड अंडर खेलो इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 16 का, राइट आंसर इज़ बी 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ठीक है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में। ओके, फाइव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वेयर अवार्डेड अंडर द टीवी इरिडिकेशन प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन दिस प्रोग्राम। पांच डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बिहार के जिनको टीवी इरिडिकेशन प्रोग्राम में अवार्ड दिया गया है, उससे रिलेटेड उनके काम की वजह से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नंबर वन देखते हैं, गोल्ड मेडल वॉज गिवन टू मुजफ्फरपुर एंड समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट विथ 60% रिडक्शन इन टीवी, दिस इज ट्रू। ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। सिवान, हालांकि सिवान का स्पेलिंग कुछ ये होता है, कोई बात नहीं। सो सिवान वॉज अवार्डेड सिल्वर मेडल विथ 40% रिडक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सिवान की भी मेडिकल टीम अच्छा काम कर रही है। ब्रॉन्ज मेडल वॉज गिवन टू सारण एंड पूर्णिया विथ 20% रिडक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सभी सही है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो कोई इनकरेक्ट है ही नहीं। रिसेंटली फॉर विच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ऑफ बिहार हैज़ द DPR दैट इज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिन अलाउड। रिसेंटली फॉर विच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ऑफ बिहार हैज़ द DPR दैट इज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिन अलाउड, तो करेक्ट आंसर होगा 18 का बी, पटना पूर्णिया। पटना पूर्णिया के लिए ये किया गया है। हु अमंग द 16 चाइल्ड साइंटिस्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम बिहार इन नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस हेल्ड एट साइंस सिटी अहमदाबाद। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 ऐसे चाइल्ड साइंटिस्ट हैं जिनको अक्रॉस द कंट्री मतलब भारत के सभी स्टेट्स से मिला के इधर उधर से चुना गया है, जिसमें बिहार का जो है भी बच्चा है, उसका नाम क्या है बताना है आपको। और ये जो साइंस सिटी का जो ये अहमदाबाद में हुआ था, ये नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस हुआ था यहाँ पे, तो नाम बताना है। नाम है इनका प्रणव सुमन, प्रणव सुमन इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ए स्पेशल प्लेटफॉर्म दैट इज़ बौद्धिक अड्डा। हम जानते हैं कि बिहार में बौद्ध का जो है गौतम बुद्ध का ही माने तो काफ़ी सारा प्रभाव रहा था, काफ़ी उस एरिया में एक्टिव रहे थे वो, तो इसलिए ये कि स्पेशल प्लेटफॉर्म है बौद्धिक अड्डा इज बीइंग डेवलप्ड फॉर आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर लवर्स। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बौद्धिक अड्डा करके डेवलप किया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका पटना में। ठीक है, पटना में, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहादा म्यूजियम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू डिस्प्ले द रिमेन्स एक्सकेवेशन नियर द ओल्ड साइट तेलहादा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहादा म्यूजियम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू डिस्प्ले द रिमेन्स एक्सकेवेशन नियर द ओल्ड साइट तेलहादा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का ए, नालंदा। नालंदा इज द राइट आंसर। Who was posthumously awarded the Champion of Change Award? Who was posthumously awarded the Champion of Change Award by former President हमारे रामनाथ कोविंद के द्वारा in an event held at विज्ञान भवन in Delhi in February 2023? क्वेश्चन फिर से सुनिए। Who was posthumously यानी मरणोपरांत awarded the Champion of Change Award by former President रामनाथ कोविंद in an event held at विज्ञान भवन इन दिल्ली इन फेब्रुवरी 2023? तो ये दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को, ये एक बहुत बड़े राइटर। ठीक है, द फर्स्ट स्मार्ट विलेज ऑफ द स्टेट, हाँ स्टेट का पहला स्मार्ट विलेज इज बीइंग डेवलप्ड इन द बाबर चक विलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, करेक्ट आंसर होगा 23 का सी,
23 का सी होगा बांका, बांका, ठीक है, बांका। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड बुद्ध स्मृति स्तूपा आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड बुद्ध स्मृति स्तूपा आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। 24 का सही आंसर होगा वैशाली, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू एड एलिफेंटाइटिस एलिफेंटाइसिस पेशेंट्स टू कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। जो हाथी पाव होता है ना, हाथी पाव, उसी को बोलते हैं एलिफेंटाइसिस। ये पैर फूल जाता है, पूरा पूरा गुड़वे फूल जाता है उनका। अच्छा लगा गुड़वा। चलिए तो इसका सही आंसर होगा पूर्णिया, पूर्णिया इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नो चाइल्ड इज आउट ऑफ स्कूल नाउ। बहुत अच्छा खबर है ये, अच्छी खबर है इनफैक्ट। कौन सी ऐसी जो है डिस्ट्रिक्ट है, एक रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ पे कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है, मतलब सभी बच्चों को स्कूल की फैसिलिटी है। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट है, अरवल भी है, सिवान भी है, जहानाबाद भी है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टॉप्स इन इनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स विथ 93% इनरोलमेंट। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो कि टॉप कर गया इनरोलमेंट कैटेगरी में, मतलब कि नामांकन जो होता है इन गवर्नमेंट स्कूल विथ 93% इनरोलमेंट। करेक्ट आंसर विल बी 27th का राइट आंसर इज सी, सुपौल डिस्ट्रिक्ट, सुपौल डिस्ट्रिक्ट इज द राइट आंसर। विच वुमेन्स पुलिस स्टेशन ऑफ बिहार हैज़ बिन गिवेन ए प्लेस इन द फर्स्ट 3 टॉप पुलिस स्टेशन ऑफ द ईयर 2022 रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो देखिए ये नेशनल लेवल पे हमारे जो टॉप 3 पुलिस स्टेशन वुमेन्स के लिए, उसमें टॉप किया है कौन से हमारे फर्स्ट 3 में जो है, फर्स्ट 3 में उसको रैंकिंग मिली है, टॉप नहीं किया, फर्स्ट 3 में रैंकिंग मिली है। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा बी, अरवल वुमेन्स पुलिस स्टेशन। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिलीज्ड द बुक पटना खोया हुआ शहर, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिलीज पटना खोया हुआ शहर ऑन जुलाई 14, 2023 बाय हुम हैज़ दिस बुक बिन रिटन। तो ये लिखा गया है अरुण सिंह के द्वारा, अरुण सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ बिहार, विच प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ बिहार कंट्रीब्यूटेड इन द सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ चंद्रयान 3, विच प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ बिहार कंट्रीब्यूटेड इन द सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ चंद्रयान 3। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि चंद्रयान 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था, तो इसमें कंट्रीब्यूट किया हमारे ऑल ऑफ दीज, यानी कि रवि कुमार ने भी, अमिताभ ने भी और सुधांशु कुमार ने भी। ये सब बिहार के प्रोमिनेंट पर्सनस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज आर कवर्ड अंडर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। फिर से पढ़ता हूँ सवाल, इनमें से कौन सा कोर्स जो है विच आर कवर्ड अंडर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये सभी कवर किए जाते हैं, सभी कवर किए जाते हैं। आंसर होगा 33 का डी, यानी कि पॉलिटेक्निक भी है उसमें, पॉलिटेक्निक का कोर्स, TI का भी कोर्स है उसमें, एंड BEd का भी कोर्स। रिसेंटली द बुक डैश ऑफ द सोशलिस्ट थिंकर रघु ठाकुर वॉज रिलीज इन पटना। रिसेंटली द बुक डैश ऑफ सोशलिस्ट थिंकर रघु ठाकुर वॉज रिलीज इन पटना। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा सी, जाति प्रथा, जाति प्रथा। रिसेंटली हु हैज़ बीन मेड the new chairman of the central selection board. Recently who has been made the new chairman of the central selection board, central selection board ke naye chairman banaye gaye hain. Answer hoga SK Singhal saab ko ye banaya gaya hai. Theek hai, aage badhte hain, 34 number question dekhenge. Okay, so which institution of Bihar has been selected फॉर रिसर्च ऑन 6G। अब देखिए 5G पे बात चल रही थी, अब 6G पे रिसर्च करेगा ये, एंड हैज़ बीन मेड फॉर नोडल सेंटर। तो ये टास्क दिया गया है, ये टास्क दिया गया है IIT पटना को।
With how many megawatt power generation from NTPC plants, Bihar has become self-sufficient in power sector? ठीक है, सवाल फिर से सुनिएगा. With how many megawatt power generation from NTPC plants, Bihar has become self-sufficient in power sector? तो 35 का करेक्ट आंसर होगा C, 6943 मेगावाट. अंडर द बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी जो कि 2023 की है, अंडर द बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2023 की है, हाउ मच ग्रांट विल द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स फॉर सेटिंग अप ए बायोफ्यूल यूनिट? तो ये जो है ग्रांट मिलता है कितने परसेंट का, या फिर उसको रुपये में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? ये है 15% या फिर 5 करोड़ रुपये कह सकते हैं. मैक्सिमम था वो, ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार मलमास मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज? ठीक है, फिर से सुनिए. इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार मलमास मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज? तो 37th का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा बी, राजगीर, जो कि नालंदा में पड़ता है, राजगीर नालंदा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट लेवल वन महोत्सव टू बी स्टार्टेड इन बिहार ऑन 10th July 2023? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टेट लेवल वन महोत्सव टू बी स्टार्टेड इन बिहार ऑन 10th July 2023? 38th का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि नंबर वन. इट वॉज स्टार्टेड विथ प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग्स, सैपलिंग होते पौधे छोटे छोटे, फ्रॉम द मेन सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स. नंबर टू, इट वॉज लॉन्च्ड बाई चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिल्कुल सही है. इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट अनाउंस टू गिव 5 saplings फ्री ऑफ द कॉस्ट टू एवरी पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट नर्सरी. ये भी सही है, सभी सही है, आंसर होगा डी. अगला सवाल देते हैं. वेयर वॉज द ग्रैंड इवेंट ऑफ अटल मिथिला सम्मान कम बिहार बीमर्स प्रोग्राम हेल्ड रिसेंटली? फिर से सुनिए सवाल. वे वॉज द ग्रैंड इवेंट ऑफ अटल मिथिला सम्मान कम बिहार बीमर्स प्रोग्राम हेल्ड रिसेंटली? 39 का करेक्ट आंसर होगा बी, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर. फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू यादव रिलीज द बुक अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिटन बाई हुम? तो ये लिखा गया है उदयकांत के द्वारा, जिसे लालू प्रसाद यादव ने इसको रिलीज किया था. हालांकि दोनों कट्टर रहे थे एक दूसरे के, बट अभी साथ में. ऑन July 10, 2023 द डेथ एनिवर्सरी ऑफ भिखारी ठाकुर द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी कहा जाता है इनको, वॉज सेलिब्रेटेड. ठीक है, 10 जुलाई को सेलिब्रेट हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिम? तो देख लेते हैं. इट इज़ हिज 52nd मेमोरियल डे. ठीक है, तो ये क्या सही है कि नहीं? इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो सही है. ही वॉज बॉर्न ऑन 18th December 1887 एट सीवान. ये गलत है. ही वॉज फेमस फोक सिंगर राइटर एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ बिहार. ये सही है, तो बी गलत है, आंसर होगा बी. According to a recently released report, which state has become the largest micro borrowing state in India? Surpassing Tamil Nadu. तो इसका सही आंसर होगा ए, बिहार बन गया है ये. लार्जेस्ट माइक्रो बोरोइंग मतलब कि बड़े लेवल पे बोरो नहीं करता है, छोटे छोटे पैसे बोरो कर रहा है. ठीक है. Which of the following statements is or are correct with the respect to performance grading index of school education index released by Ministry of Education in July 2023? चलिए फटाफट इसके statements को देखते हैं. क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है. ठीक है, देख लेते हैं. कोल्लम एंड थिरुवनंतपुरम इन केरल एडजस्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री. किस टर्म में? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ स्कूल्स के टर्म में. नालंदा डिस्ट्रिक्ट इज स्टूड फर्स्ट इन बिहार. अगर बिहार में पार्टिकुलर बात करें तो नालंदा का जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इंडेक्स ये सबसे ऊपर है.
अररिया एंड सुपौल रिमेन द वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो सभी सही है, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। विच प्लेयर फ्रॉम बिहार्स बेगूसराय वन द सिल्वर मेडल इन द 40th नेशनल जूनियर टाइकवोंडो चैंपियनशिप हेल्ड इन कर्नाटका। सवाल फिर से सुनिए, विच प्लेयर फ्रॉम बिहार्स बेगूसराय वन द सिल्वर मेडल इन द 40th नेशनल जूनियर टाइकवोंडो चैंपियनशिप हेल्ड इन कर्नाटका, तो 44th का करेक्ट आंसर होगा ए, सुमन कुमारी इज द राइट आंसर। इन द 92nd स्कॉच समिट इन इंडिया, इन द 92nd स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन न्यू दिल्ली विच स्टेट्स लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट वॉज अवार्डेड द गोल्ड अवार्ड फॉर चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम। सवाल फिर से सुनिए, इन द 92nd स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन न्यू दिल्ली विच स्टेट्स लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट वॉज अवार्डेड द गोल्ड अवार्ड फॉर चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम, तो करेक्ट आंसर होगा 45 का सी, बिहार। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन जुलाई 2023 गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन जुलाई 2023 गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इनॉग्रेटेड द देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क, तो इसका सही आंसर होगा बी, मुजफ्फरपुर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सर्वे कंडक्टेड जॉइंटली बाई बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सर्वे कंडक्टेड जॉइंटली बाई बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो करेक्ट आंसर होगा इसका, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि बिहार हैज़ मोर देन 205 स्पेसी ऑफ बर्ड, ये सही है। भागलपुर एंड जमुई हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्वेटिक बर्ड स्पेसी, ये भी सही है। बेगूसराय हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ टेरेस्ट्रियल बर्ड, मतलब कि जो धरती पर रहने वाली बर्ड्स हैं, ठीक है, तो सभी सही है। बिहार माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड गार्लैंड ट्रेंच इन खिजारसराय ब्लॉक ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। गार्लैंड ट्रेंच बनाया है, तो करेक्ट आंसर होगा 48 का बी, गया डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट में है खिजारसराय ब्लॉक। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इट हैज़ बीन अनाउंस टू ओपन ड्रग टेस्टिंग सेंटर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस ड्रग्स। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इट हैज़ बीन अनाउंस टू ओपन ड्रग टेस्टिंग सेंटर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस ड्रग्स। 49th का करेक्ट आंसर इज सहरसा डिस्ट्रिक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राम विलास पासवान्स 77th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 5th जुलाई 2023। सवाल फिर से सुनिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रामविलास पासवान्स 77th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 5th जुलाई 2023। आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि ही वॉज फाउंडर ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी, ये तो सही है, LJP के फाउंडर थे। ही वॉज पॉस्थमसली अवार्डेड द पद्म भूषण अवार्ड 2021 में, ये भी सही है। एंड ही हैड बीन द यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, तो रिसेंटली भी थे, तो ठीक है, तो रहे ही हैं। चलिए, नंबर वन खत्म हुआ, सेट नंबर टू के तरफ चलते हैं।